नहीं है कि जो पढ़कर आप सूरज को सूर्य उदय कर सको, मन घरत इबादत करके आप रब को परमात्मा को खुश नहीं कर सकते। कल एक बहुत बड़ा त्योहार था किनका, हिंदू भाइयों का, छठ पूजा। हमने पिछले दो दिन से हमने इसके ऊपर हम सोचे तहकीक करते, मेरी आदत है कोई नया मसला आता है तो हम उस पर तहकीक करते। जब हमने इस पर तहकीक की, छानबीन की, तो हमको किसी शास्त्र में छठ पूजा नहीं मिला, बल्कि छठा मैया, छठा मैया एक देवी का नाम छठा मैया। मुंगेर के अंदर में उनका, उनके नाम का एक मंदिर है। ये पूरे भारत में भी नहीं मनाया जाता, सारे हिंदू नहीं मनाते, सिर्फ बिहार में मगध है, मिथिला है, ये सीमांचल के एरिया में धूमधाम से मनाते। और इस छठ में जो सबसे बड़ा काम करने का है वो क्या है, वो इनके मस्नूई कहानी के मुताबिक, किसी शास्त्र में नहीं है, न ऋग्वेद, न यजुर्वेद, न सामवेद, न अथर्ववेद, न रामायण, न महाभारत, न गीता, किसी में भी नहीं, छठा मैया के बारे में कहानी है कि छठ पूजा, छठ पूजा के लिए काली माता की पूजा के 6 दिन बाद छठ की पूजा करते हैं। और उस छठ के पूजा में सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय होने तक, यानी सूरज गुरूप से लेकर सूरज तुलू होने तक पानी में रहकर छठा मैया की के नाम का माला जपना है और उपवास रखना है। उपवास, कोई उपवास नहीं रखता छठ के मौके पर, तो सब एकदम शराब पीकर डांस करते। हमारे हिंदू भाई जैसे मुसलमान नौजवान रोजे के महीने में खा खा कर होटल में पर्दा गिरा कर खाते, पेट भर कर आते और घर पे आके बोलते हम रोजे से, वैसे हिंदू भाई नौजवान, कल हमने देखा सुपौल जिला के अंदर 10 बजे रात को, खैर उस प्रोग्राम में हम शरीक हुए तो हम देखे वहां पे कि नौजवान है सड़क के किनारे डिस्को डीजे लगा करके डांस कर रहा। हमने कहा कि क्या ये डांस पहले था उस वक्त में जब छठा मैया थी, छठा मैया होती तो ये डांस करती थी क्या? ईश्वर के नाम का माला जब थी, ईश्वर का करीब होना था तो कहा गया के हेतु ब्रह्मगति स्थान थी, सत्संगति दान विचार दोष, उस परमात्मा के नाम का माला जपोगे तो परमात्मा का प्रिय मित्र बनोगे। ये डिस्को गाने से कुछ नहीं होने वाला है, छठा मैया खुश नहीं होगी। तो ये है छठ त्योहार की हकीकत, ये है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो, ईद हो, कुर्बानी हो, रोजा हो, हज हो, जकात हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो हमारी शरीयत से साबित नहीं। नमाज देखना है तो कुरान पढ़िए, अकीमुस्सलाह, इसी नमाज को देखना है तो हिंदू भाइयों की किताब में भी है, प्रथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुझिये थे, तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। हमारी जकात को देखना है तो हमारा कुरान कहता है आतु जका, जकात दिया करो। रोजे को देखना है, कुतिबालिकुमुस्सियाम कमा कुतिबालल्लदीन मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हज को देखना है, वतिम्मुल हज वल उमरा लिल्लाह, शराब से दूर रहना है। इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्स मिन अमल शैतान, शराब शैतान का अमल है। नबी का फरमान वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्र, दूसरी हदीस अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, शराब बैन कर दिया गया इसलिए कि वो गंदी चीज है। हमारा कोई भी हुक्म कुरान और शरीयत के हुक्म के बगैर नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद। समाज की बेटियां पर्दे में है, कुरान कहता وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى, औरत को मार्केट अकेले नहीं जाना चाहिए। ए समाज की बेटियों, बाल खोल कर जो तुम मटक कर जाती हो ना बाजार में अपनी खूबसूरती को दिखाते हुए, अल्लाह के नबी फरमाते आला इन्नल मरात औरतुन इदा खरजत इस्तशरफ शैतान रवाहु तिर्मिजी। नबी फरमाते हैं कि औरत पर्दे की चीज है, पर्दे में रहना चाहिए, उसका बाल नहीं दिखना चाहिए। अगर बाल दिखा, चेहरे की खूबसूरती दिखी तो पता क्या हश्र होगा, जो डॉक्टर आहना का हुआ कलकत्ता, 5 मरतबा उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी चेहरे की खूबसूरती को देखकर वो मर्डरर जालिम 5 बोतल शराब पीता है और रात को 3 बजे 1 से लेकर 3 बजे के बीच में उस लड़की को एक रूम में अकेले पाकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ता है, उसकी कलाई को तोड़ता है और उसके चश्मे के शीशे को तोड़कर उसके आंख में ठूंस देता है और मरने के बाद 4 मरतबा रेप करता है।
किस वजह से? इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफ शैतान, इन्हीं वारदात से बचने के लिए नबी ने फरमाया। नबी हमारे मोहसिन थे, हमारे नबी इस कायनात के जगतपति समाज की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए थे। इसीलिए अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करेगा। आपने नमाज नहीं पढ़ी जिंदगी में, अल्लाह माफ कर देगा। आपने जकात नहीं दी है तो अल्लाह माफ कर सकता है। रोजे नहीं रखे हैं तो अल्लाह की सिफत रहीमी जोश में आएगी, तो जाइए माफ। आपने और भी गुनाह किए तो मुमकिन है अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह का अर्श अगर हिलता है, अगर अल्लाह ज्यादा नाराज और खफा होते हैं तो वो इस बात पर रोते हैं कि अगर अल्लाह के साथ बंदा किसी और को अल्लाह का मकाम देता है, मर्तबा देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत गुस्सा आता है। इसी को कुरान करीम की जुबान में कहा गया है शिर्क है, और शिर्क वो है जिसको रब माफ नहीं करता। अगर आपने सच्चे दिल से तौबा नहीं किया तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। इसीलिए कई जगह पर कुरान करीम के अंदर ताकीदन का है कि अल्लाह की जात पर ईमान ला। या जो अल्लाह दीना आमनु आमिनु, ईमान वालो ईमान को मजबूत करो। उसका मतलब ये, उसका अर्थ ये, बरक है ईमान लाने के बाद दूसरा काम क्या करना है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह या जितने भी लोग बैठे हैं अल्लाह की जात से भरोसा है कि हम सब एक अल्लाह की जात पर ईमान और आस्था रखते हैं। अगर कोई नहीं रखता है तो बहुत बड़ा मुजरिम, बहुत बड़ा गुनाह है। अल कबाइर अल इशराक बिल्लाह, गुनाह है कबीरा में से है अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। मंत्र में भी मना किया ना, मैंने पढ़ा पहले, बहुत पढ़ता था मैं इस मंत्र को। अंधन तमाह प्रियो शंति संभवती मुपास्ती ततु भूय इव्युति तमु यु संभूति आमरता। वेद का मंत्र है, जैसे मुसलमान कुरान को मानता है वैसे हिंदू वेद को मानते हैं। वो अलग बात है कि हिंदू अपने वेदों के उपदेश और आदेश को नहीं मानता। आज के जमाने वो नेताओं की बात मानते हैं। नेता ने कहा, क्या कहा, तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो सारे हिंदू समझता है कि धर्म खतरे में है, डंडा लिया सड़कों पे आके धर्म बचाने के लिए। धर्म है कहां जी, धर्म कहां पर है जो खतरे में? धर्म किसी घर में बंद है या किसी दुकान में है या किसी फ्रिज में डाला हुआ है जो खतरे में कोई लूटने वाला है? कहां है धर्म, ढूंढो धर्म कहां है, ढूंढ कर बताओ जरा धर्म कहां है जो खतरे में है। उसको ऐसे किसी चीज की हिफाजत करनी होती है तो लॉकर में डाल देते। अगर धर्म खतरे में है तो बैंक में लॉकर में डाल दो। लेकिन धर्म ऐसी चीज है जो आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, आप उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? हिफाजत उस चीज की जाती है जो चीज वजूद में हो। कोई बोलता है ना, लियो मेरा मोबाइल पकड़ो, इसकी हिफाजत करना वरना कोई चोरी कर लेगा। मोबाइल है हाथ में तो आपने आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अगर धर्म की हिफाजत करनी है तो कैसे करेंगे? डंडा लेके करेंगे? ये जितने भी हमारे नौजवान हिंदू भाई आरएसएस और बीएसपी के भटके हुए नौजवान जो नारा लगाते हैं जय श्री राम भारत माता की जय, ये नहीं बोलते, ये शराब की थैली बोलती जो गटका दिया अंदर नेताओं ने पिलाया हुआ है। और शराब की नशा जैसे खत्म होती तो सारे वो खत्म हो जाते, उन नौजवानों के सारे नारे गायब। फिर हफ्ता दस दिन के बाद में कहीं पर देखो कि कहीं इलेक्शन है, वहां नौजवानों को इकट्ठा किया, 100-100 रुपए दिए, 200-200 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, लो जी शराब की थैलियां दे दो, उसके बाद नारा लगाओ, फिर शराब की थैलियां पी करके फिर नौजवान भारत माता की जय, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाओ। अरे धर्म है कहां, दिखाओ। धर्म का मतलब संविधान, धर्म का मतलब एक कानून, धर्म का मतलब ईश्वर का फरमान, धर्म का मतलब परमात्मा की का उपदेश, धर्म का मतलब
शरीयत इस्लाम में, धर्म का मतलब कुरान और सुन्नत, धर्म का मतलब नेक अमल और धर्म की हिफाजत तीर तलवार से नहीं होती, धर्म की हिफाजत अमल, धर्म पर अमल कर धर्म की हिफाजत होती। जैसे आपको नमाज की हिफाजत करनी तो आप क्या करेंगे? मौलाना अब्दुल्ला साहब की तकरीर सुनी, मौलाना सौराब साहब या मौलाना अब्दुल शकीर शकूर शेख शकूर साहब की तकरीर सुनने के बाद इन्होंने तकरीर की, मुसलमानों अपने मजहब इस्लाम की हिफाजत करो, तो आप कल से क्या तलवार लेकर वहां सड़क पे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि धर्म इधर से भागेगा तो हम हिफाजत करेंगे? धर्म की हिफाजत करनी है तो धर्म पर अमल करना होगा। नमाज की हिफाजत करनी, नमाज हमारा धर्म है, नमाज आदर है, शरीयत है, नमाज की हमें हिफाजत करनी है तो हमें नमाज पढ़ना पड़ेगा, तब नमाज की हिफाजत होगी। वरना पूरा गांव वाला तलवार लेकर खड़ा हो जाए और यूं कहे कि हम नमाज की हिफाजत करेंगे, हम कुरान की हिफाजत करेंगे, हम सूद की, शराब की जो ममानियत है यानी शरीयत की हिफाजत हम करेंगे, तो कैसे होगा? शरीयत किसी मादी चीज का नाम नहीं है, धर्म की हिफाजत धर्म पर अमल कर होता है, तीर और तलवार से धर्म की हिफाजत नहीं होती है। इसीलिए मनुस्मृति में शायद मंत्र है वो, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरे ने शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति। क्या कहा? ये कहा है कि धर्म इंसान का धर्म बाकी रहता है, यानी इंसान का कर्म बाकी रहता है, इंसान का अमल बाकी रहता है। आप शराब पियेंगे तो शराब पीने का अमल बुरा है, ये बाकी रहेगा, लिखा चला जाएगा। आप जिना करते हैं, 5 मिनट में बड़े मजे लिए आपने, जिना किया, वाह आपने बहुत बड़ा काम किया। आप समझते हैं कि हमने किसी बेटी की इज्जत लूट ली, हमने बड़े मजे लिए 10 मिनट तक, बहुत मजा आया, 10 मिनट का मजा खत्म हो गया, लेकिन हमेशा के लिए आपके नामे आमाल में ये गुना एड हो गया, लिखा चला गया, तो ये बाकी रहेगा आपका अमल। अमल बुरा हो कि अच्छा हो वो बाकी रहता है, बाकी उसकी लज्जत खत्म हो जाती है। आदमी शराब पीता है, हो नशे में मजा आता है, शराब पी लिया। आजकल कोई ड्राइवर बिना शराब के ड्राइवरी भी नहीं करता है, ट्रक ड्राइवर जितने भी होते हैं रात को देखे आप सड़कों पर, ट्रक लेकर कैसे डांस करता, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, बिना शराब पिए ट्रक ड्राइवर, तकरीबन मैं समझता हूं कि 70-75% ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर लोग शराब पीते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, खुसूसन हमारे बिहार के अंदर। वो अलग बात है कि शराब पर पाबंदी है, लेकिन होम डिलीवरी चालू है, होम डिलीवरी शराब मिलती है बिहार के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर। तो आदमी का अमल बुरा हो कि गलत हो वो बाकी रहता है। इसीलिए इस मंत्र में बड़ी अच्छी बात कही गई है मेरे मुखातब हिंदू भाइयों के लिए, ये पैगाम, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेने शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति। इंसान की बॉडी, इंसान की, इंसान का जिस्म, इंसान के सर से पैर तक ये पूरा ढांचा ये नाश हो जाएगा जमीन में मिलकर, या इसको आग के हवाले करेंगे तो जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस बॉडी ने जो अमल किया है, अगर हाथ से किसी को मारा है तो मारने वाला अमल बाकी होगा, ईश्वर के पास होगा। अगर आपने कुर्सी में बैठकर बुलडोजर चलाया है मदरसों पर, तो आपका बुलडोजर चलाने का ये गलत काम आपको कल कयामत में नजरों के सामने होगा। ये मैंने कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान भी कहता है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाह बा ला युगादिरु सगीरतन व ला कबीरतन इल्ला अहसाहा। 2-3 कीड़ा तो खा चुका हूं, असल में मजबूरी है, लाइट में कीड़े आते हैं।
अब बताइए, इसीलिए जरूरी है आज के इस पुरफितन दौर में मुसलमानों अपने अमल को सुधारो, अल्लाह की जात पर ईमान को मजबूत रखो, जहां जहां पर जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। और सबसे पहला काम आपको ईमान के बाद अगर कोई करना है तो ये आपको नमाज अदा करनी है पाबंदी से। नमाज पर कोई पाबंदी मोदी योगी के तरफ से नहीं है, लेकिन हमारा मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह पूछेगा मरने के बाद, सबसे पहले यही पूछेगा, सबसे पहले रोजे महशर के जहां उदास बोवत अव्वली ने पुरुष नमाज बोवत, सबसे पहला अमल आपका ईमान के बाद अगर अल्लाह पूछेगा तो नमाज के बारे में पूछेगा। ये पांच वक्त की नमाज फर्ज थी 24 घंटे में। डिड यू ऑफर सलाह? डिड यू कंप्लीट सलाह एवरी डे 5 times a day? Why I created you? अल्लाह पूछेगा हमने क्यों पैदा किया था, नमाज पढ़ी? क्या जवाब देंगे हम मुसलमान? आज जो मुसलमान बुजदिल है वो इस वजह से कि मुसलमान का अल्लाह से रिश्ता टूट चुका है। बिहार भारत मुल्क हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ मुसलमान क्यों बुजदिल बना हुआ, क्यों डरता है मुसलमान? क्यों? इसलिए कि मुसलमान का ईमान कमजोर। वरना अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मोमिन वो होता है जो कभी डरता नहीं है। क्या करेगा? जेल में डालेगा? हक बात बोलने पर, नमाज पढ़ने पर? या नमाज पढ़ेंगे तो क्या नमाज पढ़ने पर किसी को जेल हो गई है? क्या रोजा रखने पर किसी को जेल में डाला गया? क्या शराब से दूर रहने पर किसी को जेल में डाला गया? क्या झूठ न बोलने पर किसी को जेल में डाला गया? नहीं। तो फिर क्या वजह है कि हम बुराई से नहीं बचते, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मुसलमानों, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। दो बड़े आलिम दीन इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इसहाक बिन लाहवे रहमतुल्लाह अलैह, ये इस हदीस का क्या तर्जमा करते हैं पता है? मन तरक सलात, जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, मुतअम्मिदन जानबूझकर, अजान हो गई है कोई काम नहीं है तब भी बैठा है, छोड़ दिया क्या नमाज, वही अजान नहीं पढ़ेंगे, चलो अभी उम्र नहीं है, अभी 20 साल की उम्र हुई है, 15 साल का हूं मैं, अभी 22 साल का हूं, 25 साल का हूं, चलो अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, यही समझकर छोड़ देते हैं जानबूझकर, मुतअम्मिदन कॉन्शियसली जानबूझकर मुसलमान नमाज छोड़ता है कोई मुसलमान, फकद कफर। तो ये दो आलिमे दीन जिनका नाम मैंने लिया, बहुत बड़े शायख हैं, बहुत बड़े फकीह हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अपने जमाने के, ये पता क्या तर्जमा करते हैं? इसका मतलब है, वो कहते हैं कि जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिर हो जाता है। ये दोनों उलमा ने ये तहकीक की, ये तर्जमा बताया। लेकिन और उनके अलावा जितने भी फुकहाए किराम हैं, हजरात मुहद्दिसीन हैं, बड़े बड़े शेख हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, वो आदमी काफिर तो नहीं होता, बल्कि उन्होंने इसका तर्जमा ये बताया है कि वो काफिरों वाला अमल किया है। काफिर तो नहीं हुआ, अलबत्ता काफिरों वाला अमल किया, लेकिन पहले जो उन्होंने कहा कि काफिर हो गया, ये भी तो तर्जमा हो सकता, मतलब हो सकता, अगर यही मतलब, यही मंशा अल्लाह के नबी की है कि काफिर हो गया तो बताइए हम में से कौन मुसलमान है जो गांव के अंदर में मेरे ख्याल से 5% 10% नौजवान नमाज पढ़ते, ज्यादा ज्यादा 15% टोटल मुसलमान नमाज पढ़ते, बाकी 85% मुसलमान तो गायब, फजर की नमाज में मस्जिद में कोई नहीं है, बस इमाम साहब नमाज पढ़ाते, बाकी हम लोग रात को गोश्त मांस मछली खाकर गधे की तरह सोते रहते। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने आपको पैदा किया है, आपको पानी के कतरे से पैदा किया, पानी का कतरा है ना मनी का, इस पंप मनी का जो कतरा है पानी है,
उसी कतरे से आपको अल्लाह ने पैदा किया और खूबसूरत इंसान बनाया, किस लिए? आप अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत में सबसे पहला नंबर अगर किसी अमल का है तो नमाज का, सबसे पहला नंबर। कितने मुसलमान हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है? क्या मोदी जी ने कोई कानून लाया कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो केस बुक करो, मुसलमान फजर की नमाज में जागेगा तो उनको जेल में डालो? नहीं है। नमाज न पढ़ने की वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है आप पे, इसीलिए आपको जेल में डाला जा रहा है, आपके उलमा को भी और आपके मदरसों को भी। अभी उत्तर प्रदेश में पता है, देखिए ये तो हमेशा कोशिश करते हैं मुसलमानों की शरीयत को, मुसलमानों के मदरसों को, इनकी मस्जिद को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारा अमल गंदा, हमारे मुसलमानों की बदामली की वजह से अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत किया होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया उत्तर प्रदेश के मदरसों के बारे में, मुझे पूरा जजमेंट आपको नहीं सुनाना, सिर्फ जो असल मकसद है वो मुझे, वो जो बात बतानी है उस पूरे जजमेंट में। अभी 2-3 महीना पहले उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि मदरसा एक्ट, उत्तर प्रदेश का जो मदरसा एक्ट है, मदरसा एक्ट वो असंवैधानिक गैर कानूनी है। उन्होंने ये हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा, उससे थोड़ा नीचे हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट किसी भी स्टेट का बड़ा कोर्ट होता है, बड़ी अदलिया होती है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है, यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, यहाँ पर हदीस पढ़ाई जाती है, यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर पायलट नहीं बनाए जाते, इसीलिए मदरसा एक्ट असंवैधानिक है, इसको बैन कर दिया जाए। लेकिन गनीमत है कि अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा न्यायपालिका, सबसे बड़ी अदलिया, सबसे बड़ी अदालत, वहां के चीफ जस्टिस जो अभी शायद गालिबन 12 तारीख को वो रिटायर होने वाले हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक नहीं है, मदरसा एक्ट संवैधानिक है, और उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं किसी मदरसे को कोई ताला नहीं लगा सकता, मदरसा चलता रहेगा। कितने मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में? 23,000, उनमें से 16,000 मदरसे रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, यानी गवर्नमेंट की नजर में, उनकी लिस्ट में, और तकरीबन इन 23,500 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? तकरीबन 17 लाख बच्चे पढ़ने वाले, उनमें से 560 मदरसा बोर्ड का, यानी सरकार उसको फंड करती है, जैसे हमारे बिहार में बोर्ड का मदरसा जिसको बोलते हैं, बाकी 4,000 मदरसों की वेरिफिकेशन होना बाकी है, उसको भी वो लोग फंड कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब ने कहा, पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं दी थी उन बेचारों को, 2.5-3 साल से तनख्वाह नहीं दी थी, उन्होंने कहा कि 560 मदरसों को हम क्यों पैसा देंगे, बंद करो इन मदरसों को, इसीलिए लोगों को खड़ा किया। पता है कोई केस ऐसे चालू नहीं होता, बल्कि या तो उसके केस को करने वाला होता है, या पुलिस अपनी तरफ से करती है, या कोर्ट के तरफ से भी सुओ मोटो लिया जाता है। लेकिन यहां पर मदरसा एक्ट पर, मदरसा एक्ट को खत्म करने के लिए जिन लोगों ने केस किया है वो कौन लोग हैं पता है आपको? नहीं मालूम है? वो 5 आदमी हैं, 5 आदमियों में से 4 आदमी, आप क्या कहेंगे कि योगी सरकार ने शायद केस करवाया है, कोई हिंदू होगा केस करने वाला? 5 आदमी है मदरसा एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला, उन 5 आदमियों में से 4 आदमी मुसलमान है, जो मदरसा एक्ट के खिलाफ, मदरसा एक्ट को बंद करना चाहता था, बताइए, जो मदरसों को खत्म करना चाहता था, कौन?
मुसलमान मुझे बड़ी ताज्जुब है। हमने सोचा कि NCPCR के तरफ से होगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने मुतालबा किया था लेकिन उनमें से 5 आदमी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, मदरसा एक्ट है सन 2004 के अंदर जो मुलायम सरकार ने इसको लाया था और बाजाबता उसकी उसका कानूनी ढांचा बना था, उसको खत्म किया जाए। हम तो आज तक यही सोचते थे कि शायद योगी जी के लोग खड़े होंगे, कोई शंकर खड़ा होगा, कहीं से कोई यादव खड़ा होगा, कहीं से कोई विजय खड़ा होगा, कहीं से कोई शिव कुमार खड़ा होकर के याचिका दाखिल की होगी कि मदरसों को बंद करो, इन मदरसों में कुरान की तालीम होती है, इन मदरसों में अहादीस का दर्स दिया जाता है, इन मदरसों में नबी के बारे में बताया जाता है, कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती है। हमने यही सोचा था लेकिन नहीं, जब हमने देखा कि याचिका करता दरखास्त देने वाला मुसलमान है तो उस वक्त यकीनन बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ कि इस कौम को अगर सबसे ज्यादा नफरत कोई, सबसे ज्यादा नुकसान कोई अगर पहुंचाता है तो मुसलमान पहुंचाता। योगी तो बाद में, मोदी बाद में, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इसराइल बाद में, अमेरिका बाद में, पहले हम मुसलमान इस धर्म को नुकसान पहुंचाते। ये मुझे आप लोगों के सामने बात रखनी थी, लेकिन खैर अल्लाह तबारक व तआला हमेशा किसी न किसी को जुल्म के बिलमुकाबिल में हक बनाकर खड़ा करता है, हक बनाकर। श्रीमद् भगवद गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य सकला निर्भवति भारताभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजामहम्। जब जब इस जमीन पर अच्छाई को कोई खत्म करता, जब जब इस जमीन पर कोई मदरसों पर बुलडोजर चलाएगा, जब जब इस जमीन पर कोई मस्जिद 50 साला मस्जिद को तोड़ने की कोशिश करेगा, जब जब कोई इस जमीन पर बहराइच जैसी इलाके में मुसलमानों के घरों पर नोटिस लगाएगा, पड़ोस में सामने हिंदुओं के घर को छोड़ देगा, ये जुल्म है, तब तब ईश्वर परमात्मा सुप्रीम कोर्ट को अवतार बनाकर खड़ा करेगा। यदा यदा ही धर्म सकला निर्भवति भारत, बहराइच में 23 मुसलमानों के घर पर नोटिस लगा दिया गया कि इन मदरसों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाए, इन घरों को बाजाबता 18-20 बुलडोजर आ गए, घर के सामने खड़े हो गए तोड़ने के लिए, लेकिन फौरन हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है और कहता है कि नहीं तोड़ा जाएगा। PWD वाले वो आते कहते हैं कि 7 फुट जमीन सड़क की है, सड़क की जमीन पर घर बना है। हाई कोर्ट ने कहा कि लाओ प्रूफ, तुम्हारे पास अगर प्रूफ है तो कागज दिखाओ, नहीं दिखा सका। और फिर हाई कोर्ट ने कहा कि वापस लेकर जाओ बुलडोजर, वरना तुम्हारे पेट में सारे बुलडोजर को घुसा देंगे। वापस होगा मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, अल्लाह खुद जुल्म को पसंद नहीं करता है, लेकिन वैसा अमल तो हम बनाए। अगर आपका ईमान मजबूत होगा, अगर आपका अमल मजबूत होगा तो अल्लाह तबारक व ताला खुद आपकी मदद करेगा, किसी न किसी को खड़ा करेगा। हम मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ा अमल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्रतैन फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुख हो तो आदमी को नमाज के जरिए से मदद लेनी चाहिए, इसलिए कि बंदा जब नमाज पढ़ता है, जब मुसलमान नमाज में सजदा करता है तो रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, सबसे ज्यादा करीब। सजदा, अपना सब कुछ झुका दिया, करोड़पति आदमी है, लखपति आदमी है, दबंग है, किसी के सामने झुकता नहीं है, हमेशा सर उठा हुआ रहता, अबू जहल की तरह। लेकिन जब नमाज की बारी आती है, जब नमाज पढ़ता है तो उसको अपना सर जमीन पर रगड़ना पड़ता है, एक दफा नहीं बल्कि एक रकात में 2 दफा।